पूरा बिहार इन दिनों लू के थपेरों और भीषण गर्मी से जूझ रहा है। ऐसे समय में भागलपुर के कई पंचायतों में भीषण जल संकट हो गया है। भागलपुर शहरी क्षेत्र से सटे मुस्लिम बाहुल्य पंचायत शाह जंगी और इस्लामपुर के लोग भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं। बोरिंग खराब रहने के कारण इन दिनों पंचायत के लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तय कर पानी लाना पड़ रहा है। पिछले 15 दिनों से परेशानियों का सामना करने वाले स्थानीय लोगों का गुस्सा आज सड़क पर उतर पड़ा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जल रखने का बर्तन लेकर शाहगंज इस्लामपुर सड़क पर उतरे और जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए बवाल काटा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी हम लोगों का पाक माह रमजान चल रहा है, जिस समय खुदा की इबादत को लेकर हमेशा पाक माह साफ रहना पड़ता है, उसी समय भीषण जल संकट के कारण उन लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तय कर पानी लाना पड़ता है। पहाड़ पर एक बोरिंग लगा हुआ है जो कि साल भर से जो 15 मिनट मात्र 24 घंटे में पानी आता था, अभी 15 दिन से वो हालत हो गया कि एक मिनट ही पानी नहीं दे रहा है। हम लोग दूसरी जगह जाते हैं, कभी पर्वती जाते हैं, कभी कबीरपुर जाकर के पानी लेके आ रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रहा पानी का, कितना आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, बोलता है मोटर खराब हो गया है, तो बोलता है आप लोग चंदा दीजिए तब आएगा मोटर। ऐसी समस्या, जो नल चलाता है उसको बोलते हैं तो वो बोलता है कि हमारा सैलरी नहीं मिला, तो उसको सैलरी नहीं मिला तो आम जनता अपना जान दे दे, पानी नहीं मिलेगा तो जान ही जाएगा ना। दिन है हम लोग कैसे क्या करें, 15 दिन बचा है त्यौहार, अब पानी के लिए हम लोग जाना बुजुर्ग के लिए परेशान, बुजुर्ग ना हो सकता है, घर में पानी पीना के लिए नहीं होता, कैसे क्या करेंगे हम लोग बताइए। आप ईद का त्यौहार है, ये सब क्या जैसे कि जब पीने के लिए पानी नहीं है, जीने के लिए कोई साधन नहीं है, और जीना ही जीना जिंदगी पानी से है, जब पानी ही नहीं तो फिर जीना बेकार, रोट जम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। फिर इस पानी से कितने मोहल्ले को परेशानी हो रही है, अहमदाबाद जी क्या बोले, इस पानी से कितने मोहल्ले को परेशानी, इससे समझ लीजिए दो पंचायत की परेशानी हो रही है कि इमामपुर भी सटा हुआ हमारा पंचायत के बगल में, वहाँ भी यहीं से पानी जाता है, उनको ही परेशानी है और हमको ही परेशानी है। पूरे साजंगी में जो है इससे मुहैया होता है पानी इस टैंकी से, और आज के डेट में ये है कि मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट या वो भी नहीं, पानी नहीं देता, ठीक है वही तो बोले वो भी नहीं, और बहुत परेशानी हो रहा है। अब लास्ट में तो वही है रास्ता हम लोग के पास है, पब्लिक के पास, कभी देखे रोड पर टप्पा है, किसी दिन ज़्यादा परेशान होगा, रोड जाम होगा, यही गुजारिश है जल्द से जल्द इसका समाधान कर दिया जाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द बोरिंग ठीक नहीं कराया गया और सुचारू ढंग से जल संकट का हल नहीं निकाला गया तो आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।